जय हिंद। मुझसे कमेंट करके पूछा गया था प्रश्न कि जो 1 किलोवाट का जो हमारा मीटर होता है पावर हाउस से जो लगाया जाता है, उससे हम क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हम चलाएं जिससे हम पावर हाउस से द्वारा पेनाल्टी से बच सकें, मीटर हमारा ओवरलोड ना हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए और हमारे घर के उपकरण भी चलते रहें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 किलोवाट का मीटर लगा रखा है, ठीक है, अगर आप इसको इस जो जो सेंक्शन लोड है, मतलब जो आपका बिजली का जो बिल आता है उसमें सेंक्शन लोड लिखा रहता है कि आपके घर का जो सेंक्शन लोड है वो कितना है। अब मान लीजिए उस पर लिखा हुआ है 1 किलोवाट का लिखा हुआ है, यदि आप इसको 2 किलोवाट का यदि सेंक्शन लोड करवाते हैं ना तो इसके आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, 3 किलोवाट का करवाते हैं तो इसका चार्जर और बढ़ जाएंगे, मतलब जितना किलोवाट आप बढ़वाएंगे तो पर किलोवाट चार्जेज जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो उस कंडीशन पर यदि आप 1 किलोवाट ही रखना चाहते हैं तो 1 किलोवाट में आप कितनी चीज़ें चला सकते हैं, कितने लोड आप चला सकते हैं, कितनी सामग्री, कितने जो बिजली के उपकरण हैं उनको आप चला सकते हैं यदि आपका 1 किलोवाट का बिजली का मीटर है तो, सेंक्शन लोड यदि 1 किलोवाट का है तो आइए समझते हैं इस चीज़ को। देखिए आप ये समझ लीजिए कि जो आपका बिजली का जो मीटर है अगर उसका जो सेंक्शन लोड है वो यदि 1 किलोवाट का ही है, 1 किलोवाट अगर उस पर लिखा हुआ है, मतलब इसका सीधा सीधा यह मतलब हुआ कि आप 1000 वाट से ज़्यादा का लोड अपने आप मीटर से नहीं चला सकते हैं, ठीक है, मतलब मिला करके 15 मिनट से ज़्यादा आप, मतलब लगातार आप 15 मिनट से ज़्यादा 1 किलोवाट का लोड यदि आप ऊपर चलाते हैं तो उस चीज़ को जो MDI है, मैक्सिमम डिमांड जो इंडिकेटर है, वो इस चीज़ को रीड कर लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। तो आप क्या करें कि 1000 वाट का जो आपका जो सेंक्शन लोड है उसी में घर के सारे उपकरण को आप स्मार्ट तरीके से चला सकें जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो कम आए और आपका घर के सारे उपकरण भी चलते रहें। तो 1000 वाट का जो उपकरण है उसको आप कैसे निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को जानेंगे कि 1000 वाट में आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं जिससे आपके ऊपर ना फाइन पड़े और कोई भी आपको दिक्कत ना हो। तो यदि आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आइए समझते हैं। तो देखिए 1000 वाट का जो लोड होता है उसमें क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। तो देखिए हमारे घरों में जो उपकरण लगे हुए होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, लगभग लगभग यहाँ पर मैंने कवर किया है, LED बल्ब लगा होता है, पंखा, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सी और कुछ अतिरिक्त तो लोड भी आपके घर में होता है जैसे कि मोबाइल का चार्जर हुआ या कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो अतिरिक्त तो लोड है। तो देखिए यदि मान लीजिए आपके घर में 5 LED बल्ब लगे हुए हैं और 1 LED बल्ब 9 वाट का लगभग है तो आपका टोटल कितना हो गया, 45 वाट का लोड हो गया आपका केवल LED बल्ब का, ठीक है। अब अगर पंखा है वो 50 वाट का, मैं मान के चल रहा हूँ 50 वाट का आपका पंखा है, 3 पंखे लगे हुए हैं घर में तो 150 वाट का आपका पंखे का लोड हो गया। TV जो है वो एक होती है, 100 वाट की TV है तो 100 वाट इसका लोड हो गया। उसके बाद फ्रिज जो है एक है वो 300 वाट का होता है तो 300 वाट का इसका लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद वॉशिंग मशीन है, एक होता है 300 वाट का होता है, 300 वाट इसका भी लोड हो गया। मिक्सी जो होता है वह एक होता है, मैंने यहाँ पर 600 वाट की मिक्सी ली है तो 600 वाट का मिक्सी हो गया। और कुछ अतिरिक्त जो लोड मैंने जोड़ रखा था वो 50 वाट का है, जैसे बैटरी चार्जर, मोबाइल का चार्जर हुआ, यह सब हुआ जो कि 50 वाट का है आपका। तो कुल मिलाकर के इतना लोड आपके घर में कुल है जो कि चल रहा है, जिसका टोटल जो खपत है वो कितनी आ रही है, 1545 वाट, ठीक है, मतलब लगभग 1.5 किलोवाट का आपका बिजली का जो खपत है, क्योंकि 1500 है ना तो 1.5 लगभग आपका खपत है। और आपका जो सेंक्शन लोड है वो कितना है, वो 1 किलोवाट का ही है, मतलब 1000 वाट का ही है और खपत कितनी है आपके यहाँ पर, 1545 वाट की है। तो इस कंडीशन पर क्या होगा, निश्चित बात है MDI इस चीज़ को रीड कर लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस कंडीशन पर आप क्या करें कि आपके ऊपर पेनल्टी भी ना पड़े और 1 किलोवाट के ही लोड में सारी चीज़ें आप चला भी सकें जिससे आपका बिजली का बिल भी कम आए। क्योंकि जैसे मान लीजिए यदि आपका, मैंने आपको बताया कि 1 किलोवाट का जब आपका होगा तो उसका बिजली का जो रेंटल है वो कम होगा, 2 किलोवाट का होगा तो रेंटल बढ़ जाएगा, 3 किलोवाट का होगा तो और रेंटल बढ़ जाएगा। तो आपको 1 किलोवाट में चलाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए आपने ये जान लिया कि आपके घर का कुल लोड कितना है, 1545 वाट का है कुल लोड आपके घर का। तो इस कंडीशन पर क्या होगा कि अब आपको एक स्मार्ट तरीके से पूरे सिस्टम को आपके घर को चलाना पड़ेगा।
क्योंकि आपका जो सेंक्शन लोड है वो 1 किलोवाट का है। आपको ये पता करना पड़ेगा कि घर की कौन कौन से एकदम आवश्यक उपकरण हैं जो कि लगातार चलते ही रहेंगे, उनको हम बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, LED बल्ब है, पंखा है, TV है, फ्रिज है, इतनी चीज़ें आपको चलानी ही चलानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो है टोटल जो आपका लगातार चलने वाला जो लोड है 645 वाट का आपका टोटल लोड है जो कि लगातार आपका चलता रहेगा, ये बंद नहीं हो सकता है। तो अब आपके पास बचा कितना, 1000 वाट का है टोटल लोड और 645 वाट का आपका लगातार चलने वाला लोड है। तो इसको जब आप घटाएंगे तो आपके पास जो बचा हुआ कितना है, मतलब जो लगातार चलने वाला लोड है उसके अलावा आपके पास कितना बच रहा है, 355 वाट का आपके पास पावर बच रही है जो कि आप अतिरिक्त रूप से यूज कर सकते हैं। मतलब कुमला करके आपको LED बल्ब, उसके बाद आपको पंखा, TV और फ्रिज के अलावा 50 वाट का आपका अतिरिक्त लोड, इसको चलाने के बाद आपको 355 वाट में बच रहा है। तो उस कंडीशन पर कि पूरा का पूरा जो आपके घर के उपकरण है, बाकी जो बचे हुए कौन कौन से हैं, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ये दोनों चीज़ों को आपको एक स्मार्ट तरीके से यूज करना है कि आप ये चीज़ देख लीजिए कि किस कंडीशन पर आपको कौन सा चलाना है, कौन सा चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आपको 355 वाट का जो लोड है उसको मैनेज करने के लिए आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि इनमें फ्रिज बड़ा लोड है, वॉशिंग मशीन बड़ा लोड है, मिक्सी बड़ा लोड है। तो ये तीनों जो बड़े लोड हैं, इन तीनों लोडों में से कोई भी एक लोड के साथ में दूसरा लोड, मतलब दो लोड को आप एक साथ ना चलाएं। मतलब ये हुआ कि अगर आप मिक्सी चला रहे हैं तो उस कंडीशन पर आप फ्रिज को बंद कर दें, वॉशिंग मशीन को बंद कर दें, ठीक है। जब आप मिक्सी को चलाएं तो फ्रिज और वॉशिंग मशीन को बंद कर दें, इसको ना चलाएं। और अगर आप मिक्सी को बंद कर दिए हैं, मिक्सी नहीं चला रहे हैं, तो उस कंडीशन पर आप फ्रिज और वॉशिंग मशीन को आप चला सकते हैं। मतलब आपको ये हुआ कि आपको देखना है कि आपका जो लोड है वह 1 किलोवाट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से मतलब सारी चीज़ें आप एक साथ ना चलाएं। अगर आप एक साथ चला देंगे तो 1545 वाट हो जाएगा, और अगर आप एक साथ नहीं चलाते हैं, मतलब मिला करके सबसे ज़्यादा लोड किस चीज़ का हो रहा है, मिक्सी का ही हो रहा है। अगर मिक्सी का लोड आप मतलब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप 1 किलोवाट के अंदर आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें आप चला भी लेंगे और आपका जो MDI है वो बढ़ेगा भी नहीं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दो बड़े लोड को एक साथ आपको नहीं चलाना है। 645 वाट का आपका टोटल लोड हो रहा है और आपके पास जो बच रहा है वो कितना, 355 वाट बच रहा है, और इस 355 वाट में ही सारी चीज़ें आपको चलानी है। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मैनेज कर पाते हैं तो आपको निश्चित बात है फाइन पड़ेगा और आपका जो सेंक्शन लोड है वो पावर हाउस के द्वारा बढ़ा दिया जाएगा, मीटर का जो सेंक्शन लोड है वो 2 किलोवाट कर दिया जाएगा और फाइन अलग से पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिवाइज़ करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन रह गई है इसके बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर आपका जो रिप्लाई है, जवाब है, उसको देने की कोशिश करूँगा। और यदि आपके मन में कुछ और क्वेश्चन हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो उनको कमेंट करिएगा। यदि आपका कमेंट अच्छा हुआ तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।